सीमा। आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। आप मैं कलेश के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रसन्न करता हूँ। ये ओस्कर और सीमा, क्या आपने बिना दबाव से और अधिक खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा फीस एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध देने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे सीमा, मैं ओस्कर। तो क्या अपन पत्नी माना था और ये करार करा थो कि जीवन भे दुख और सुख में मैं तोर विश्वासी साथी बन के रहो तोर से प्रेम करबो और तोर आदर करबो। हे ओस्कर, मैं सीमा, तो क्या अपन पति माना थो और ये करार करा थो कि जीवन भे दुख और सुख में मैं तोर विश्वासी संगिनी बन के रहो और तोर से प्रेम करबो और तोर आदर करबो। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य लगने करे। हे ईश्वर, तेरी ही वचन से सब स्नेह पवित्र की जाती है। ये सिंदूर, अंगूठी, मंगलसूत्र और वरमालाओं पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वरवधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सीमा, पिता और पुत्र, और पवित्र आत्मा के नाम पर, मोर प्रेम, मोर प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह, ईमानदारी के चिन्ह, ये अंगूठी, ये अंगूठी पिंध ले। हे ओस्कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मोर प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह, ये अंगूठी पिंध ले। इलेक्ट्रॉनिक लगता है, इसलिए इसलिए
सीमा और ऑस्कर पति पत्नी बहन जाना हमारे मान जय श्री कृष्ण जीवन कहते जय श्री कृष्ण।